नैनीताल के प्रवास पर नॉर्वे के राजदूत हॉस जेकब फ्रेडनलैंड पहुंचे, जहां उन्होंने कहा कि नैनीताल के बारे में सुना था कि खूबसूरत हिल स्टेशन है, हर कोई यहां आना चाहेगा, जिसके चलते वे यहां घूमने आए हैं। उन्होंने पत्रकारों से मुलाकात करते हुए कहा कि ग्लोबल वार्मिंग शोध को लेकर भारत और नॉर्वे एक दूसरे के मददगार हो सकते हैं, क्योंकि जलवायु के लिहाज से भारत और नॉर्वे एक दूसरे के पूरक हैं। भारत जितना गर्म देश है, नॉर्वे उतना ही ठंडा है। उन्होंने कहा कि जलवायु परिवर्तन एक बड़ा मुद्दा है, जिसका प्रभाव विश्व पर पड़ रहा है। मौसम परिवर्तन के चलते आए दिन कहीं ना कहीं आपदाएं घटित होती रहती हैं। वैश्विक स्तर पर तापमान निरंतर बढ़ता जा रहा है। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में इस तरह की आपदाएं ना बढ़ें, इसके लिए अभी से सार्थक कदम उठाने की जरूरत है। नैनीताल से तेज सिंह की रिपोर्ट। Two extremely different countries. Norway is a relatively small country far north with a cold climate and a very sparse population. India is a huge country, a continent with 1.4 billion people and a very warm climate. So being here as a Norwegian ambassador and learning a country is learning something completely different and see how people are able to make a life under very different circumstances than we have in our country. And it's also fantastic to learn about